सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विच अज माघी दा त्यौहार बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है। इस मौके ते हजारां दी गिनती विच श्रद्धालु पुज्जे। उन्होंने अज दे पवित्र दिहाड़े ते सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे पवित्र सरोवर विच इशनान कीता अते रसबानी गुरबानी नाल आनंद माने। देश विदेश तो आए श्रद्धालु सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विच नतमस्तक होए। माघी दे नाल संगरांद वी है। माघी दा त्यौहार 40 मुक्तियां दी याद विच मनाया जांदा है अते माघी मुक्तसर साहिब विच मेला भी लगता है। इस मौके सचखंड श्री हरिमंदर साहिब पुज्जे श्रद्धालुआं दा कहना है कि अज माघी दे पवित्र दिहाड़े ते वाहेगुरु जी दे घर झोलिया भरन लई पुज्जे हां। उत्थों जो मंगे उही मिलदा है अते किसान जिहड़े संघर्ष कर रहे हैं उन्हां दी मनोकामना पूरी होवे इस दी भी अरदास कीती गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपनी जिद छड़ के किसानां दा मसला हल कर देन। ब्यूरो रिपोर्ट लाइव भारत। हाँ जी, की नाम है जी? मेरा नाम राजदीप कौर। की कहना चाहते हो माघी वाले दिन सचखंड श्री हरिमंदर साहिब पहुंचे? मैं ये कहना चाहनी हाँ गुरु रामदास के घर संगतां इशनान कर दियां दर्शन कर दियां महाराज के, वधिया उन्हां नूं लगदा कि महाराज के घर आके सब उन्हां दे परिवारां दियां घर दियां सुख शांति मंगदियां ने, परिवार सुख रहे शांति रहे तो सब का भला होवे। तो जो किसान बैठे आ सरहद की धरती से वो वापस आन अपने गुरु रामदास के घर आके वो भी दर्शन करन, उन्हों का हक उन्होंने दिता जाए। लगता कि गुरु साहब के काफ़ी श्रद्धालु आसा जुड़ी है क्योंकि कड़ाके की ठंड पै रही है पर गुरु साहब के घर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ठंड जिनी मर्जी भी पैंती है पर कोई फर्क नहीं पैंता संगतान को, उन्होंने गुरु रामदास के घर दर्शन करने ही है। जिते अपने परिवारों से अरदास की उत्थे किसानों भी अरदास? हाँ जी, किसानों वास्ते तो रोज़ अरदास होंगी। हाँ जी, की नाम है जी? मेरा नाम हरचरण सिंह। सचखंड श्री हरिमंदर साहब पहुंचे हो माघी वाले दिन, कितना प्रभावित समझ रहे हो अपने? मैं जी मेरा काफ़ी देर तो सी मैं हरिमंदर साहब जा के माघी वाले दिन इशनान करा जी। तकरीबन मैं थोड़ा जि फॉरन तो हाँ, ओके, तो 6-7 साल बाद ये दिन मिलया कि असी अज इशनान किया, बड़ा बहुत वधिया लगा। जिते अरदास की जा रही अपने वास्ते किसान वीर कड़ाके की ठंड दिल्ली दे सरहदां ते बैठे हुए हैं, लगता केंद्र सरकार ने अपनी अड़ी छड़ के उन्होंने हक जिहड़े आ बंदे देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए जी, हक दिते ना गए तो खो लेने आ, समझदे ना जी गल। और जिहड़ी ठंड की गल है वो असी तो पले ही ठंड के विच आ, पले ही जमीन दे विच पानी लाउंदे, मैनूं अज भी याद है असी कणकां च पानी लाउंदे सी, बहुत ठंड हुंदी सी, नहर दा ठंडा पानी, कोई सानूं ठंड ठुंड कुछ नहीं कहिंदी। सो जिहड़ी गल आ हकां दी, हक असी तो सिर्फ अपने जिहड़े हैड ने ना, जिहड़े इस वक्त यूनियन दे प्रधान ने, उन्हां दी वेट कर रहे हैं कि किहड़े वेले हुक्म देन दे हक खोलीए। कोई हक लैणे साडे लई कोई वड्डी गल नहीं हैगी जी। हाँ जी, की नाम है जी? मेरा नाम सुखबीर कौर है। सचखंड श्री हरिमंदर साहब पहुँचे, की कहना चाहिए? हाँ जी, असी हरिमंदर साहब अपनी फैमिली नाल अज संगरांद दे दिहाड़े ते दर्शन कर लई आए हाँ। मैं जिहड़े किसान वीर साडे दिल्ली जिहड़े आ बैठे आ, मैं उन्हां नूं ये कहना चाहुंदी हाँ कि मगर किसी भी गल का फिक्र नहीं करना, ठीक है। अज 40 मुक्तियां नूं याद करदे आ, तुसीं पूरा अपना जिहड़ा वा उत्थे जिहड़ा वा अपना जो भी तुसीं कर रहे जे वो बहुत वधिया कर रहे जे। मैं उन्हां नूं ये कहना चाहुंदी हाँ कि मगर का फिक्र नहीं करना, असीं तुहाडे नाल हैं, तुसीं अपना जंग जित के फिर ही वापस आउणा। लगदा कि केंद्र सरकार नूं अपनी अड़ी छड्ड के ते उन्हां दे बिल जिहड़े रद्द कीते जाण, जिहड़े घरां च अपने परिवारां च बैठ सकन किसान। हाँ जी, असी ये चाहते हाँ कि सारिआं दे हक विच जिहड़ी गल होनी चाहिए, केंद्र सरकार नूं परमात्मा सबक बख्शे कि वह किसानां दी जिहड़ी है वह गल मान लैण ते वह भी अपने जिहड़े परिवारां दे नाल आ के वापस जिहड़ी अपनी जिंदगी शुरू करन। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अज तुसीं पहुंचे, अपने वास्ते ते अरदास कीती, किसानां वास्ते अरदास कीती गई? बिल्कुल, असी उन्हां दे नाल हैं, असी अरदास कर रहे हैं कि वह अपना जिहड़ा भी मोर्चा फतेह करके फिर ही वापस साडे जिहड़े वीर ने वह घरां विच वापस आउण। हाँ जी, की नाम है डेजिग्नेशन? भाई मनजीत सिंह, सीनियर मीत प्रधान श्रोमणी अकाली दल, मैंबर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक। भाई साहब, माघी अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब पहुंचे हो तो श्रद्धालु वड्डी गिनती विच पहुंचे, की करना चाहिए? बहुत खुशी है क्योंकि अज 40 मुक्तियां का जिहड़ा दिन है वो जिथे सचखंड श्री हरिमंदर साहब मनाया जा रहा उत्थे श्री मुक्तसर साहब दे विच माघी का जोड़ मेला भी बड़े धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। और मैं उन्होंने 40 मुक्तियां नूं सलाम करदा, श्रद्धा ते सत्कार भेट करदा। और किन्नी असामी जंग सी जिहड़ी उस टाइम ते मुगलां नाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते उहनां दे लाड़लिआं ने, भाई मान सिंह ने ते उहनां दे साथियां ने, माता भाग कौर जी ने लड़ी, ते जिहड़ा बदावा सी उह गुरु तो बदावा पड़वा लिया उहनां ने, टुट्टी गंढ नहार गोपाल। और जिहड़े वीर अज सिक्खी नूं
बदावा दिती फिरदे आ, दाड़ा ते केस कटवाई फिरदे आ, और गुरु तो पासे हो गए, खालसे का रूप नहीं बने। मैं उन्होंने बेनती करनी चाहना है कि आप भी अपने जेडे बदावे आ जेडे सिखी तो दे बैठे हैं उन्होंने बदाव्या पड़वाण वास्ते अज साडे वास्ते बहुत वड्डा मौका है। गुरु वाले बनिए, बाणी बाणे नाल जुड़िए, और खालसा मेरा रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास, जबला खालसा रहे न्यारा, तब तक तेज दियो मैं सारा, जावे गए विपरन की रीत मैं ना करूँ की प्रतीत। गुरु ने कहा मैं उन्होंने प्रतीत नहीं करूँगा। भाई साहब, कोर्ट ने मैं कहता कि इतने रोक लगी जाए, पर केंद्र सरकार हूँ अपनी अड़ी नहीं छड़ रहा, किसान 70 तो उपर शहजादे शहीद हो गए हैं, पर केंद्र सरकार अपनी अड़ी नहीं छड़ रहा। मैं कल 2 दिन उत्थे सिंघू बॉर्डर ते हैं, किसानों का उत्साह वेख के मेरा मन बड़ा खुश है, बीबिया बच्चे बजुर्ग जिस तरह उत्थे बैठे है धरने ला के। मैं समझदा कि अपनी मिसाल एक आप ने, जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्टे दा है वह चंगा है, लेकिन जिहड़ी कमेटी बनाई है वह किसानों की राय नाल नहीं बनी। 4 मैंबरी कमेटी बनाई गई है, 7 मैंबर किसानों के नाल लैने चाहिए सी। मैं सुप्रीम कोर्ट का सत्कार करदा, उन्होंने बेनती करनी चाहता जज साहबानों के अपने फैसले रीकनसिडर कर, 7 मैंबर जोड़े है वह किसानों के लै जान, ता कि 11 मैंबरी कमेटी जी किसान जोड़ा इस वेले संघर्ष है, और अन्नदाता जिस तरह उत्थे अपने मैं आप सिंघू बार्डर पर वेख के रात उत्थे तंबू च भी रहा, मेरा बेटा कवर चढ़ सिंह भी नाल गया सी, सो उत्थे जा के जिस तरह देखा होया है, मैं समझता हाँ कि किसानों में बड़ी वड्डी दृढ़ता, बड़ा वड्डा विश्वास है, करो तो मरो दी रीति तो चल रहा। लंगर वाले लोगों ने भी मैं समझदा भी उत्थे 20 प्रजाति है, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी बड़े 2 लंगर लाए है उत्थे, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, संत समाज ने लाए आ, होर जथेबंदियां खालसा एड बहुत सारे लंगर का प्रबंध है, और भावें किन्ना भी उत्थे प्रबंध आ पर लैटरन बाथरूम तो उत्थे परेशानी हैगी है जी, क्योंकि वह कित्थे जाण, और ठंड भी हट चीरवी है। सो जिहड़ियां मंगां ने वो केंद्र सरकार एवें अड़ी करी बैठी आ, मोदी जिहड़ा है वह एवें अपने आप नू बड़ा वड्डा अखवाउण वास्ते उत्थे अड़ी करी बैठा है। नीवें सो गौरा होए, जिहड़ा नीवा है ना मन नीवा ते मत उच्ची करनी चाहीदी है, उन्हां अपने मन नू नीवा करन, अखां खोलन, कन्न खोलन, ता कि जनता की आवाज़ उन्होंने कन्ना च पवे, वो अपनी गल सुनाई जाते मन की बात है फलानी बात ढींगड़ी बात है, और किसानों की गल सुन जिन्होंने भुखे देश का ढिड जड़ा है वो बड़े लंबे टाइम तो भरया है, उन्होंने किसानों की गल सुन के उन्होंने मसला जोड़ा है वह बिना किसी देरी तो। अब माघी है कि कहना चाहते हो श्रद्धालु जो देश विदेश संगत बैठी हुई? मैं उन्होंने बेनती करनी चाहना कि जिस तरह 40 सिंह ने दृढ़ता संकल्प नाल लड़ाई जी है जुल्म के खिलाफ लड़ी सी, जिस तरह किसान भी लड़ाई लड़ रहा है बड़ी दृढ़ता नाल, इस तरह ये सानू भी अपने मन में दृढ़ता रख के सिख पंथ की और कौम से कोई भी विपता कोई भी जी आई है साढ़े वो दृढ़ता के नाल सानू लड़ाई जी है जंग वो लड़नी चाहिए। ये सबक अज 40 मुक्तियां के इतिहास तो सानू मिलता है, तो बदावे जोड़े दते आ सिखी पिछ पिठ करके खलोते उन्होंने बदावे में पढ़ा चाहिए। बेऔलाद जोड़ियां दे लई वरदान मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर, गर्भ दा ना ठहरना जिहियां बीमारियां दा शर्ती इलाज। चौदह से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना रहन सहन इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है, और बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर